एनआईए की 14 सदस्यीय टीम ने सामाजिक कार्यकर्ता सीमा आजाद के घर पर छापेमारी की। सुबह 5 बजे से सीमा आजाद के रसूलाबाद स्थित घर में सर्च ऑपरेशन चला रही है। सीमा आजाद और उनके पति का लैपटॉप, मोबाइल, साहित्य, कविताएं जब्त कर लिया है। घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। इससे पहले एनआईए की टीम ने प्रयागराज में कई दिनों से डेरा डाल रखा है। बेहद गोपनीय रखे गए इस मिशन की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी नहीं दी गई। सीमा आजाद को देशद्रोह के आरोप में निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सीमा को फरवरी 2010 को दिल्ली से प्रयागराज पहुंचने पर स्टेशन पर ही गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने सीमा आजाद और उनके पति विश्व विजय पर देशद्रोह का मामला बनाया था। उनके पास से बड़ी संख्या में नक्सली साहित्य बरामद होने का दावा किया था। उस समय सीमा आजाद की रिहाई के लिए मानवाधिकार संगठनों ने आंदोलन भी चलाया था। सीमा आजाद और उनके पति विश्व विजय पर पुलिस ने देशद्रोह का मामला बनाया था। उन्हें एक निचली अदालत ने इस आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में सीमा आजाद को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। सीमा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी में एमए किया है। इसके बाद विश्व विजय से शादी की। पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारत सरकार से युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया था। आरोप था कि दोनों मिलकर केंद्र तख्ता पलटकर माओवादी सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए दोनों देशद्रोही हैं।